बस चालकों द्वारा श्रमिकों को गंतव्य तक पहुंचाने की सेवा करने पर नगरपालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने सभी चालकों को राशन के किट भेंट किए। पहले सीनियर लोग है ना ये तो सब वही लोग जो छोड़ा बड़ा भाई शक्ति ट्रांसपोर्ट की बस चलाता हूँ साहब। जो बाहर की लेबर जो छिकी हुई थी यहाँ पे, उन लोगों को मतलब जगह जगह घर गांव पे उनके छोड़ रहे हैं हम 20 दिन से। तो आज नगर पालिका अध्यक्ष ने मुकेश टंडन जी ने हम लोगों को बुलाकर हमारा सबका सम्मान किया है। हम लोगों को राशन पानी जो भी मतलब बना वो दिया है सब लोगों को। कहाँ गए थे आप छोड़ने? सर हम इधर शहडोल गए थे। कब निकले थे? हम 20 दिन से चल रहे हैं, 20 दिन हो गए हम लोगों को। कहाँ कहाँ छोड़ के आए? शहडोल, उमरिया, कटनी, मैयर और इधर शमसाबाद, चंदेरी और इधर क्या बोलते हैं अपने भिंड, मुरैना, ग्वालियर सब में छोड़ के आ रहे हैं। हमारे वो वाहन चालक भाई जिन्होंने अपने परिवार की और प्राणों की परवाह किए बगैर, जब सारे लोग लॉकडाउन में अपने घरों में थे, ऐसी परिस्थिति में जो विशेष ट्रेन से जो हमारे श्रमिक भाई आए या पैदल चलकर जो विदिशा में श्रमिक भाई आए, उन सबको दूसरे राज्यों में छोड़ने का काम किया है, वास्तव में बहुत साहसी काम है। हम उनका अभिनंदन करते हैं। ऐसे समय में मानवता के लिए काम उन्होंने किया है, असहाय लोगों को सहारा देकर वहाँ छोड़ने का काम किया है, वे बधाई के पात्र हैं। उन्हीं सबका आज सम्मान हम यहाँ नगर पालिका परिषद में हम करने जा रहे हैं, जिसमें उनको खाद्यान्न सामग्री, सैनिटाइज़र और मास्क और ये सब उनको उपहार में देकर उनको सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। और उनका हौसला बढ़े ये प्रयास नगर पालिका परिषद की ओर से हमने करने का किया है। वास्तव में जो लोग आगे आए हैं वे अभिनंदन के पात्र हैं, वही उनका अभिनंदन कर रहे हैं। 56 वाहन चालक हैं और इनके साथ ही इनको बाकी सरकार की योजनाओं का लाभ मिले,
हमारे संबल योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ की है उनमें वो जुड़े, ये सब उनके पेपर से लेकर उनको सबको जोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उनको मिले, उनके बच्चे शिक्षित हों, परिवार को शासकीय लाभ पूरा मिले, ये प्रयास हम